You must not lose faith in humanity. Humanity is like an ocean. If few drops of ocean are dirty, it doesn't mean that the whole ocean becomes dirty. These inspiring words are said by Mahatma Gandhi, the father of our nation. Good morning, respected teachers, sisters, and our dear friends. Today, we the students of class 8A will be conducting an online assembly. In this assembly, we would be telling about Mahatma Gandhi, about all the things that he did for India, about all his struggles that he faced to let India free from Britishers, about all his movements. नमस्कार, आज मैं आपके समक्ष एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। धन्यवाद। वर्ष 2 अक्टूबर को देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन इस दिन हम उन्हें पूरे दिल से याद करते हैं। उनके जन्म दिवस को गांधी जयंती के रूप में देश में ही नहीं लेकिन पूरे विश्व में मनाया जाता है। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने जाए की घोषणा की गई थी। इस विशेष दिन पर राष्ट्रीय अवकाश भी मनाया जाता है। हालांकि स्कूलों और दफ्तरों में गांधी जी के उपलक्ष में विशेष कार्यक्रम के आयोजन भी किए जाते हैं, जहां पर गांधी जी के जीवन तथा उनके तथ्यों से जुड़े प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं, जैसे कि निबंध प्रतियोगिता तथा पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश की स्वतंत्रता के लिए योगदान दिए हैं, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। आप सबको महात्मा गांधी जी की जीवन परिचय के बारे में बताने जा रही हूँ। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी था। भारत के स्वतंत्र संग्राम में उनका बड़ा योगदान था। उन्हीं की प्रेरणा से हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसी वजह से हम उन्हें बापू या राष्ट्रपिता पुकारते हैं। गांधी जी के पिता श्री करमचंद्र गांधी राजकोट के दीवान थे और माता पुतलीबाई एक धार्मिक स्त्री थी। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी है और उनके बच्चों का नाम हरिलाल गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी और मणिलाल गांधी था। महात्मा गांधी की शादी 13 वर्ष की उम्र में हुई थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी अहिंसा और सामाजिक एकता पर विश्वास रखते थे और उन्होंने बहुत से सामाजिक मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाई है। उन्होंने भारतीय समाज से अछूत और जाति भेद की परंपरा को मिटाने के लिए काफ़ी प्रयास किए। महात्मा गांधी का देश के लिए दिया गया योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे नामक व्यक्ति ने महात्मा गांधी की हत्या की। गांधी जी के याद में 30 जनवरी को हर साल भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद। आज मैं आपके सामने गांधी जी पर कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सच्चाई का लेकर शस्त्र और अहिंसा का ले अस्त्र,
तूने अपना देश बचाया, गोरों को था दूर भगाया, दुश्मनों से भी प्यार किया, मानव पर उपकार किया, गांधी तेरा करते नमन, तुझे चढ़ाए प्रेम सुना, धन्यवाद। I'm going to read an article on Gandhiji. A national holiday in India to commemorate the birth of Mohandas Karamchand Gandhi, who came to be known as Mahatma Gandhi. At this time, pilgrimages are made from throughout the country to the Rajghat on the banks of Yamuna River in Delhi. Many communities who hold spinning and weaving session in his honor. Gandhiji often pictured in a simple white cotton robe at the spinning wheel. Was the leader of the movement for Indian nationalism, the 20th century's great prophet of non-violence and a religious innovator who encouraged a reformed liberal Hinduism. He was born in 1869 in Probandar, India and educated both in India and England. He went to South Africa as a young lawyer and was shocked by the racial discrimination and led to African Indian in non-violent struggles against repression. Thank you. Today, I'm going to speak an article on Gandhiji. When Mohandas Karamchand Gandhi returned to India, he became a dominant political figure and in the struggle for independence was jailed several times. His protest often took the form of fasts. In the 1930s, he worked for rural people trying to eradicate discrimination against the untouchable caste and promoting hand spinning and weaving as occupations for the poor and as the way to overcome the British monopoly on cloth. The ashram, a religious retreat center he established near Ahmedabad, became the center of his freedom movement. In the 1940s, he helped heal the scars of religious conflict in Bengal and Bihar. In 1947, his fasting put an end to the rioting in Calcutta. On January 13, 1948, on his way to an evening prayer meeting in Delhi, he was shot and killed by a Hindu fanatic. Albert Einstein was among his great admirers. Thank you. Speaking on Mahatma Gandhi's Three Monkeys. Mahatma Gandhi remains a relevant thinker today not only because of his theory and practice of non-violence but because all his lives he also defended political tolerance and religious pluralism. The phrase "see no evil, hear no evil, speak no evil" first emerged in Japan in the 17th century and was later adopted worldwide as a message of peace and tolerance due to Mahatma Gandhi's visual metaphor of three monkeys, with one of them covering his eyes, the second his mouth, and the third his ears. These three monkeys' name are Mizaru, who sees no evil, Kikazaru, who hears no evil, and Iwazaru, who speaks no evil. The moral through the monkeys is we should not lose patience and we should not argue with and should not do what our mind and heart cannot accept.
I'm going to speak a few lines on Gandhi Jayanti. Gandhi Jayanti is celebrated every year on October 2nd. It is one of the officially declared holidays in India. It is marked by prayer services and tributes all over India, including at Gandhi's memorial, Rajghat in New Delhi, where he was celebrated. Popular activities include prayer meets, communicative ceremonies in different cities by colleges, local governments, institutes, etc. Painting and essay competitions are conducted and best awards are granted for projects in schools and community, encouraging a non-violent way of life while celebrating Gandhi's efforts in Indian independence movement. I would like to conclude our online assembly by saying some inspiring words written by Mahatma Gandhi. Keep your words positive because your words only become your behavior.